इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा के बाद अखिलेश का बीजेपी पर अटैक, कहा बीजेपी ने अपने गुंडों को दी खुली छूट। अखिलेश ने कहा बीजेपी सबसे बड़ी गुंडा पार्टी, 2022 के चुनाव में यूपी की जनता बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। अखिलेश ने कहा प्रशासन के लोग हिंसा में शामिल, समय आने पर जिम्मेदार अधिकारियों का किया जाएगा हिसाब किताब। यूपी के लखीमपुर खीरी में नामांकन के दौरान महिला की साड़ी खींचने पर एक्शन, दो बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लूट और छेड़छाड़ जैसे मामले में केस दर्ज, एक आरोपी गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में पीड़ित महिला ने बताया बीती, कहा पर्चा भरने से रोकने के लिए की बदसलूकी। महिला ने अपने कपड़े फाड़े जाने का लगाया आरोप, कहा फाड़ा गया नॉमिनेशन पेपर। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव से पहले हिंसा जारी, बहराइच के खेरीघाट थाना क्षेत्र में उम्मीदवार के परिजन की गोली मारकर हत्या। लखनऊ के संत कबीर नगर के बेलहर ब्लॉक के लापता 38 सदस्य लखनऊ के होटल में मिले, खेतों से किडनैप किए जाने का आरोप लगाया। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा पर बोली बीएसपी प्रमुख मायावती, कहा समाजवादी पार्टी के शासन की याद ताजा हुई। यूपी के संभल में मंदिर के महंत के सिर पर रॉड मारकर हत्या, पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। यूपी में जल्द लागू होंगी नई जनसंख्या नीति, सीएम योगी ने किया ऐलान। योगी के सामने पेश किया था उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-22 का ड्राफ्ट। योगी ने कहा छोटा परिवार ही खुशहाली का आधार, सभी नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए जनसंख्या नियंत्रित करना जरूरी। सीएम योगी ने के निर्देश पर भीमराव अंबेडकर के स्मारक का निरीक्षण करने पहुंचे लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश, साफ सफाई का और सुंदरीकरण का लिया जायजा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ की बैठक, प्रदेश में कोरोना के हालात और डेल्टा प्लस वेरिएंट पर की चर्चा। पीएम मोदी ने ऑक्सीजन सप्लाई पर की उच्च स्तरीय बैठक, देश भर में 1500 ऑक्सीजन प्लांट जल्द तैयार करने को कहा, 4 लाख से ज्यादा बेड को होगी ऑक्सीजन की सप्लाई। पीएम ने अधिकारियों से 1500 ऑक्सीजन प्लांट जल्द से जल्द शुरू करने को कहा, प्लांट के रखरखाव के लिए अस्पताल स्टाफ को मिले पूरी ट्रेनिंग। पीएम केयर्स फंड की मदद से देश भर में बन रहे हैं करीब 1500 ऑक्सीजन प्लांट, अधिकारियों को पीएम को दिया पूरा अपडेट। डीडीएमए की बैठक में पास हुआ ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, कब लॉकडाउन लगेगा, कब क्या खुलेगा, उस पर अब नहीं रहेगा संशय। बैठक में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट पर हुई बात, दिल्ली में वेरिएंट को रोकने के लिए सरकार उठा रही है जरूरी कदम, केजरीवाल ने ट्वीट कर दी जानकारी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में रेडवानी में एनकाउंटर, आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब। कुलगाम में 2 दिन के अंदर दूसरा एनकाउंटर, प्रशासन इंटरनेट सेवा की बंद। सोपोर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवादी संगठन के ठिकाने को किया तबाह, भारी असलाह किया बरामद, मकान के बेसमेंट में बनाया था ठिकाना। देश में कोरोना केस फिर से बढ़े, एक दिन में 43,393 लोग पाए गए पॉजिटिव, 911 लोगों की मौत। मुंबई में वैक्सीन की किल्लत जारी, आज किसी सरकारी या बीएमसी सेंटर पर नहीं लगेगी वैक्सीन, बीएमसी ने किया ऐलान। मुंबई में वैक्सीनेशन सेंटर्स के गेट पर लटके ताले, गेट पर आज टीका नहीं लगने का लगाया गया नोटिस। वैक्सीन की कमी के कारण नागपुर में आज 137 सेंटर्स पर नहीं लगी वैक्सीन, 140 में केवल 3 सेंटर पर दी जा रही कोवैक्सीन की डोज। मसूरी के पास कैंपटी फॉल में लोगों की भारी भीड़ जमा होने के बाद प्रशासन ने एक बार में केवल 50 लोगों के जमा होने की सीमा तय की, आधे घंटे ही रुकने की इजाजत दी। हिल स्टेशन पर भीड़ जुटने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चिंतित, जल्द करेंगे होटल एसोसिएशन के साथ बैठक, कहा होटल में हो 50% बुकिंग। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कांवड़ यात्रा का मामला केवल उत्तराखंड का नहीं, बाकी राज्यों से बात कर लेंगे फैसला। अनलॉक के बाद हिमाचल में रोजाना औसतन 18,500 वाहनों की एंट्री, हिमाचल के डीजीपी बोले पर्यटक कोरोना नियमों का करे पालन। ओडिशा के गंजाम में वैक्सीन की कमी से टीका केंद्र पर भीड़ बेकाबू, लोगों ने तोड़े बैरिकेड, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। महाराष्ट्र में एक दिन में 9,114 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव, 121 लोगों ने गंवाई जान। अहमदाबाद में रथ यात्रा में सिर्फ 3 रथ और 2 वाहनों को शामिल करने की मिली इजाजत, गुजरात के गृह मंत्री के मुताबिक नहीं बांटा जाएगा प्रसाद। अमेरिकी सरकार से कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगाने की मंजूरी मांगेगा फाइजर, 12 महीने के अंदर बूस्टर डोज लगाने से बढ़ेगी इम्यूनिटी। अमेरिका के CDC और FDA ने जारी किया बयान, कहा 2 वैक्सीन ले चुके अमेरिकी लोगों को फिलहाल बूस्टर शॉट की जरूरत नहीं। केरल में मिला जीका वायरस का पहला केस, तिरुवनंतपुरम में 24 साल की महिला में पुष्टि, जीका वायरस के 13 और संदिग्ध केस। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बोबिया गांव में हुआ 100% वैक्सीनेशन, फुल वैक्सीनेशन वाला पहला गांव बना बोबिया। साउथ कोरिया में कोरोना से बिगड़े हालात, सियोल में सोशल डिस्टेंसिंग नियम का सख्ती से पालन कराने का ऐलान। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सिविल एविएशन मंत्री के रूप में संभाला कार्यभार, पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भेंट किया फूलों का गुलदस्ता। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद वीके सिंह का बयान, कोविड एक चुनौती लेकिन सही उपाय और बर्ताव से जीत सकते हैं कोरोना से जंग। मनसुख मांडविया ने रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय का भी कार्यभार संभाला,
कहा किसानों को लेकर प्रधानमंत्री की उम्मीदों को पूरा करने की करेंगे कोशिश। कौशल किशोर ने आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री का कार्यभार संभाला। कहा चीजों को समझाने के लिए लक्ष्य प्राप्ति के लिए करेंगे काम। रक्षा मंत्रालय में पदभार संभालने के बाद राज्य मंत्री बने अजय भट्ट ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। नए रेलवे और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान, दोनों मंत्रालयों में दो शिफ्ट में होगा काम, भीड़ कम करने के लिए फैसला। अश्विनी वैष्णव के ट्विटर पर दिए गए बयान पर बोले नवाब मलिक, चेतावनी देने के बजाय कार्रवाई करने को कहा। लखनऊ के पीजीआई में भर्ती कल्याण सिंह की हालत में सुधार, पोते ने कहा पहले से बेहतर है, लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने को कहा। बिहार के मंत्री शाहनवाज हुसैन पहुंचे लखनऊ पीजीआई, कल्याण सिंह का जाना हाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाना कल्याण सिंह की तबीयत का हाल, पोते से बात कर ली जानकारी, कहा लोक सलामती के लिए कर रहे दुआ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह को दी श्रद्धांजलि, परिजनों से भी की मुलाकात, हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर के साथ। वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि देने के बाद नड्डा ने कहा हमारे राजनीतिक विचार अलग थे लेकिन उनसे काफी कुछ सीखने को मिला, उनकी मौत मेरी व्यक्तिगत क्षति। शुभेंदु अधिकारी के पूर्व बॉडीगार्ड की पत्नी ने शुभेंदु के खिलाफ दर्ज कराया केस और पश्चिम बंगाल पुलिस बॉडीगार्ड की आत्महत्या केस की जांच करेगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा की जांच जारी, एनएचआरसी की टीम वीरभूम में सर्किट हाउस पहुंची। भीमा कोरेगांव हिंसा की जांच के लिए महाराष्ट्र द्वारा बनाए गए आयोग ने तेज की जांच, एनसीपी चीफ शरद पवार का दर्ज होगा बयान। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसान का विरोध प्रदर्शन, किसानों ने सड़क जाम किया, भारी सुरक्षा बल तैनात। कृषि कानून पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बयान पर बोले राकेश टिकैत, सरकार बिना कंडीशन करे बात। पंजाब चुनाव को लेकर सुखबीर बादल का ऐलान, अगर अकाली दल की सरकार बनी तो किसान आंदोलन में जान गंवाने वालों के परिवार से एक शख्स को मिलेगी सरकारी नौकरी। बादल ने कहा परिवार के सभी बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त करवाई जाएगी पढ़ाई, परिवार को देंगे मेडिकल इंश्योरेंस। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का ऐलान, हरियाणा के गन्नौर में बनेगी एशिया की सबसे बड़ी मंडी, 550 एकड़ में बनाई जाएगी मंडी। दिल्ली में पेट्रोल के बढ़ते दामों के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रोटेस्ट, पेट्रोल पंप पर चलाए सिग्नेचर कैंपेन, तेल भरवाने आ रहे लोगों से कराए साइन। नागपुर में महिला प्रदेश कांग्रेस ने सड़क पर लकड़ी और कोयले से चूल्हे पर खाना बनाकर विरोध किया, गैस सिलेंडर को माला पहनाकर निकाली अंतिम यात्रा। एनआईए और एटीएस की टीम दरभंगा स्टेशन ब्लास्ट केस के आरोपियों को लेकर पटना सिविल कोर्ट पहुंचे, आरोपियों की रिमांड हुई खत्म। नए आईटी नियमों को लेकर व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा डेटा प्रोटेक्शन बिल के लागू होने तक नई प्राइवेसी पॉलिसी लेने के लिए नहीं, यूजर्स को करेगा मजबूर। तेज प्रताप यादव ने शुरू किया अगरबत्ती का कारोबार, मंदिर में चढ़ने वाले फूलों से बनाई अगरबत्ती, दोस्त से मिला बिजनेस का आइडिया। परिसीमन आयोग के साथ बैठक के बाद बोले रविंद्र रैना का बयान, हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की 24 सीटें खोलने की मांग की, 3 सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्व की जाए। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारी के लिए की बैठक, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, महासचिव और अधिकारी हुए शामिल। दिग्विजय के लव जिहाद वाले बयान पर वीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार का जवाब, कहा पहचान छुपाकर हिंदू लड़की से शादी करना गलत, इस्लाम धोखा देना नहीं सिखाता। आर्मी चीफ नरवणे ने दूसरे विश्व युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों के सम्मान में इटली के शहर कसिनो में स्मारक का किया उद्घाटन, इटली के रक्षा मंत्री से की मुलाकात। ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के लिए भारत को आमंत्रित किया, इब्राहिम रईसी लेंगे राष्ट्रपति पद की शपथ, अगस्त में संभालेंगे पदभार। महाराष्ट्र में मॉनसून के फिर सक्रिय होने की उम्मीद, अगले 4 से 5 दिन भारी बारिश की संभावना। भारी बारिश से नागपुर में जगह जगह भरा पानी, लोगों की शिकायत, हर साल होते हैं ऐसे हालात, प्रशासन की तरफ से कोई हालात का जायजा लेने नहीं आता। केरल में भी मॉनसून एक्टिव, कोटायम में बारिश के बाद गिरा तापमान। तमिलनाडु के मदुरै में बारिश के कारण आई आफत, खुली मंडी में रखे गए धान के सैकड़ों बोरों में फसल हो रही खराब। दिल्ली के शाहबाद में हुए एनकाउंटर में पुलिस ने एक वांटेड क्रिमिनल को पकड़ा, जावेद नाम के इस बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। मऊ में हुए ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, गैस रिसाव में हुआ ब्लास्ट, सिलेंडर के उड़े पर खच्चे, हादसे में 5 लोग घायल हुए थे। ग्वालियर पीडब्ल्यूडी ऑफिसर अनिल सिंह कुशवाहा के घर रेड, करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति होने की मिली थी शिकायत। दिल्ली के बाड़ा हिंदू राव में बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, गोली लगने से 2 राहगीरों की मौत, दूसरे शख्स को टारगेट करने की थी फायरिंग। दिल्ली एयरपोर्ट पर 1 करोड़ की कीमत के मोबाइल फोन किए गए सीज, दुबई से गैर कानूनी तरीके से लाए जा रहे थे मोबाइल। दिल्ली के आश्रम इलाके में बन रहे अंडरपास के कंस्ट्रक्शन वर्क के कारण लगा लंबा जाम, लोगों को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए करना पड़ा परेशानी का सामना। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के हटने के बाद चीन ने अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से निकाला, काबुल शहर से 210 चीनी नागरिकों को लेकर चीन लौटी फ्लाइट। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर बोले राष्ट्रपति बाइडेन, 31 अगस्त तक सैनिकों की हो जाएगी वापसी। तालिबान ने ईरान से सटे अफगानिस्तान बॉर्डर क्रॉसिंग पर किया कब्जा, हवा में फायरिंग कर मनाया जश्न। भारी बारिश के बाद न्यूयॉर्क का सबवे स्टेशन बना समंदर, सड़कों पर भी भरा पानी। अमेरिका में कैलिफोर्निया नेवाडा बॉर्डर पर 6 की तीव्रता का भूकंप, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक महसूस किए गए झटके, जानमाल के नुकसान की खबर नहीं।
स्वीडन में प्लेन क्रैश में 9 लोगों की मौत, मृतकों में 8 स्काई डाइवर और 1 पायलट शामिल। हेती के राष्ट्रपति जोविनेल मोसे की हत्या के पीछे 26 कोलंबियाई 2 अमेरिकी सूत्रों के हवाले से खबर। 14 साल की अफ्रीकी अमेरिकी लड़की ने जीता स्पेलिंग बी अवार्ड, भारतीय अमेरिकी मूल के छात्र दूसरे और तीसरे नंबर पर। दुबई में बना दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल, पानी के अंदर अपार्टमेंट, रेस्तरां और दुकानें भी। दुबई के क्राउन प्रिंस ने शेयर किया वीडियो। एशले बार्टी और कैरोलिना के बीच खेला जाएगा विंबलडन का महिला एकल फाइनल, दोनों ने पहली बार फाइनल में बनाई जगह। भारत के साथ वनडे सीरीज के पहले श्रीलंका क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच ग्रांट फ्लावर को हुआ कोरोना, 13 जुलाई से शुरू होनी है वनडे सीरीज। टोक्यो ओलंपिक जाने वाले एथलीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे संवाद, 13 जुलाई शाम 5 बजे करेंगे बातचीत। टोक्यो ओलंपिक के महिला बैडमिंटन में वर्ल्ड चैंपियन पीवी सिंधु को मिला आसान ड्रॉ, हांगकांग और इसराइल के खिलाड़ी से लीग चरण में होगा मुकाबला। टोक्यो ओलंपिक से पहले ओलंपिक मशाल पहुंची टोक्यो, कोरोना के कारण सार्वजनिक तौर पर नहीं होगा ओलंपिक मशाल रिले। मोहित सूरी के डायरेक्शन में अर्जुन कपूर और तारा सुतारिया ने शुरू की एक विलन रिटर्न्स की शूटिंग, अर्जुन तारा के अलावा जॉन इब्राहिम और दिशा पाटनी भी है फिल्म का हिस्सा। ऋचा चड्ढा जल्द ही दुनिया के सबसे बड़े भारतीय फिल्म समारोह में से एक की जूरी सदस्य होंगी, IFFM के शॉर्ट फिल्म सेक्शन की जूरी में हुई शामिल। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।